हेलो गाइस, इन्फो विद पाल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, पूरा एरिया पार्किंग एरिया है। हम भी जब आए थे यहाँ पर तो जत्थे के साथ आए थे, जिसमें कई सारे बसेस चलती हैं, ऊपर ड्रोन उड़ रहा होता है, आगे और पीछे आर्मी की गाड़ियाँ होती हैं, आपकी पूरी सेफ्टी होती है। लेकिन उसमें हमें 2 दिन लग गए आने में। अगर हम यही चीज़ टैक्सी से करते तो सिक्योर नहीं होती है, लेकिन वो आपके 11-12 घंटे लेती है, उसमें पहुँचा देती है। इसके अलावा जब आप यहाँ पर आएंगे तो अगर आप पिट्ठू करना चाहते हैं, जो घोड़ा होता है, तो उसके चार्जेज हैं, जो गवर्नमेंट के चार्जेज है वो है 3900 जाना और आना। लेकिन इट डिपेंड्स कि इस टाइम पर रश कितना है। जैसे यहाँ पर जाना और आना 6000 तक हुआ है हमारे सामने, और आना और जाना 2000 में भी होता है। इसके अलावा आप हेलीकॉप्टर की सुविधा भी ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर से आना और जाना 3400 है, लेकिन उसके लिए आपको पहले से बुकिंग करनी होती है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है पैदल वाला, जो कि बहुत टफ है और लोग करते हैं। रिस्क दोनों में है, चाहे आप घोड़े पर जाएँ चाहे पैदल जाएँ। इसके अलावा एक पालकी का ऑप्शन भी है। पालकी में करीबन 8 से 9 हज़ार रुपये लेते हैं, लेकिन पालकी का फ़ायदा ये होता है कि आपको यहाँ से पिक करेंगे और आपको मंदिर के सीधा गेट पर, इतनी सारी सीढ़ियाँ होती हैं 200-250, उन पर भी ऊपर ले जाके तब आपको छोड़ेंगे। तो चॉइस आपकी है, आप किस तरह से यहाँ पर आते हैं। अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं हेलीकॉप्टर बताऊंगा, क्योंकि जब यहाँ पे बारिश होती है तो हेलीकॉप्टर ही होता है जो आपको वहाँ पे पहुँचाता रहता है। और उसमें ये फ़ायदा होता है कि जब भीड़ यहाँ पर होती है आप ऊपर आराम से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग ऊपर पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। यात्रा कल भी बंद हो गई थी, क्योंकि कल भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई, हम उस पूरी बारिश में ही आए हैं। ये है एंट्री, यहाँ पर हम पास दिखाएंगे और अंदर एंट्री हो जाएगी। यहाँ से एक बार अंदर एंट्री हो गई तो फिर यात्रा की जिम्मेदारी हेलीकॉप्टर से ले जाना लाना जैसे भी शायद यही करना हमारी ऐसी आशा है। और यहीं पर है जो वेट, जो जितना भी 3-4-5 दिन की जो वेटिंग रही है, अब तक ये रास्ता खुला ही नहीं, तो 5 दिन के बाद आज ये रास्ता खुला है और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सबसे बड़ी बच गया अभी कैमरामैन गिर जाते, कैमरामैन भी फिसलते हुए बचे हैं। थोड़ा सा रास्ते यहाँ पर कच्चे ही है, ये कभी पक्के हो नहीं सकते। और यहाँ से करीबन आधे लोग तो जा चुके हैं आज सुबह ही, 5 दिन का वेट करके, क्योंकि 9 बजे तक ही जाने देते हैं ये, जो सिक्योरिटी के साथ जाती हैं गाड़ियाँ। तो लोग 8 बजे तक निकल चुके थे, 8 बजे इन्होंने अनाउंस किया कि यात्रा स्टार्ट हो गई। यात्रा मार्ग सामने है, हमारे साथी पीछे आ रहे हैं। ये रहे हमारे साथी, चलते रहो। हेलो बच्चे, कैसे हो? बालटाल के रास्ते से हमने एंट्री ले चुके हैं और ये सामने से रास्ता आ रहा है। 2 किलोमीटर का रास्ता ये नीचे से, जहाँ पर कैंप होते हैं, जहाँ पर टेंट लगे होते हैं आपके। यहाँ से आने के बाद यहाँ पर लाइन में लगना होता है, यहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है और यहाँ से लॉट में लोग छोड़े जाते हैं। यहाँ पर हुआ सुबह ये है कि इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि यात्रा स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर लोगों को घंटों लाइन में लगा कर रखा, और कम से कम 3 घंटे तो हम भी लाइन में लगे हैं। और उसके बाद बोल दिया कि आज का कोटा पूरा हो चुका है और जो भी यात्री हैं वो दोबारा कल आए, और कल 5 बजे के आसपास आप दोबारा एंट्री लें। अब लोग अगर 5 बजे दोबारा एंट्री लेते हैं, क्योंकि 5 दिन के बाद ही पहला दिन है जब यात्रा खुली है, तब दोबारा भीड़ होगी। और जो लोग 28 तारीख को यहाँ पर आए हुए हैं वो भी अब तक नहीं जा पाए, और मैनेजमेंट तो इतना बेकार है इनका, क्योंकि अगर इन्हें ये बोलना था कि आज का कोटा पूरा हो गया है तो ये कोटा की काउंटिंग जो थी वो तभी कर चुके थे जब लोग यहाँ से निकले थे। लेकिन इन्होंने बताया कम से कम लोग 3-3 बजे से लाइन में लगे हुए थे बाहर, वो भी वेट कर रहे हैं। ये है मेन गेट जहाँ से एंट्री हो रही थी, यहाँ पर ये पूरी लाइन भरी हुई थी,
और अब आप देखेंगे अब यहाँ पर गिनती के लोग बचे हुए हैं जिनको अब भी एक झूठी उम्मीद लग रही है कि यहाँ पर गेट खुलेगा और उनकी एंट्री होगी। अब यहाँ पर ये जितने भी लोग खड़े हुए हैं पता नहीं क्या मैनेजमेंट से बातें कर रहे हैं, उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हाँ आप खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे। तो पूछ लेते हैं किसी से कि ऐसा क्या हो गया कि अब भी गेट के आगे खड़े हुए हैं, वो जा नहीं रहे। चौबीस तारीख से आए, 24 से हमारे यहाँ पर कितने दिन हो गए? 5 दिन आ गए। यहाँ के वैसे मैनेजमेंट को मुझे लगता है जवाब देना चाहिए क्योंकि उनको ये समझना चाहिए। VIP को योगदान का अपना वो चला जाएगा मेरे साथ। अनाउंस कर रहे हैं कि तुम टेंट में रहो, आराम से अनाउंस करेंगे। हमें भी VIP 8 बजे अनाउंस किया, तुरंत 10 बजे बंद कर दिया गेट। मुझे बोला कि 10 मिनट का गेट खुलने वाला, फिर आते गए आते गए आते गए, मैं पीछे होता गया होता गया। बात बताइए, नीचे टाइम से ऊपर आने में लगता है 1 घंटा। अगर वो अनाउंस कर रहे हैं 8 बजे तो हम यहाँ के 10 बजे पहुँच रहे हैं। हम सर नौ बजे हैं। हाँ, ये अनाउंसमेंट तो सुबह भी हो रही थी कि अपने टेंट में रहो जब तक अनाउंस ना हो। करेंगे हम सिर्फ 9 जने थे, 2 घंटा मेरे ऊपर आके पहुंचे पैदल पैदल। हम सिर्फ 9 जने, 9 में से जो 3 चले गए हैं और 6 जाने तो रह गए हैं। तो कोई है नहीं बाहर यहाँ पर जो मैनेजमेंट का हो जिससे बात की जाए? कोई नहीं सर, सभी सर पैसे के चक्कर में, पैसा दो अभी इनको, 202 टपा देंगे अभी। बदनाम नहीं करो, ऐसे बदनाम मत करो। जम्मू कश्मीर सिस्टम है, मैं खुद जम्मू कश्मीर से हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मौसम खराब था। सीधी सी बात आपको बता दूं, 10,000 का कोटा था, सुबह उन्हें 10,000 बंदा भेज दिया। ठीक है, आज की डेट का भेजा, कब का भेजा, ऐसे बदनाम नहीं करो। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने भेजा 9 बजे भेजा, 9 बजे भेजा। गेट खोलने से 2 घंटे पहले अनाउंस करना चाहिए, तुरंत गेट खोल दिया, तुरंत बंद। आप एक गलत ही सिस्टम बना रहे हैं कि लोग पहले यहाँ पर आकर बैठ जाए आपके अनाउंस करने से पहले। आपने क्यों वो किया? और दूसरी चीज, 9 बजे कोटा सोने की मेरा पर्ची ले लिया गया, और अगर 9 बजे आपने 9 बजे हो रहा होगा कि 10,000 आपने 9 बजे जैसे प्रशासन की गलती होती है, प्रशासन की। अब 9 बजे आपने इसमें पूरे जम्मू नहीं, आपने 9 बजे 10,000 लोग टिकट दिए, तो आपको काउंट तो था ना आपके पास? आप 12 बजे क्यों बोल रहे हैं उनसे? 12:30 मैं इस बात को समझता हूँ कि प्रशासन की गलती है, इन्होंने पहले 27-28 के वाले निकालने चाहिए थे, 29 वाले 30 वाले वो प्रशासन की गलती है। इसमें आप पूरे जम्मू कश्मीर की गलती नहीं निकाल सकते। मौसम खराब हो तो कौन जिम्मेदार है? कल फिर पब्लिक खड़ी रहेगी, मौसम खराब होगा तो एकदम 28 वाले तो कभी जा ही नहीं पाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ, 28 वाले कभी नहीं जा पाएंगे, वो इनकी गलती है। उन्होंने पहले अनाउंसमेंट में बोलना चाहिए था कि 28 वाले निकलो, 27 वाले निकलो, 30 वाले निकलो, 1 वाले कल निकलेंगे। ये इनकी गलती है, और ऐसी बात है कि हर चीज का कोटा है, ये सच बात है। 7,000 का कोटा था, 10,000 बंदा भेजा, उसके बाद इन्होंने कहा कि एक गैप डालते हैं 1 घंटे का, थोड़े यात्री और छोड़ते हैं। 1 घंटे के गैप के बाद भी यात्री 1 किलोमीटर दूर तक ही पहुंचे थे, 1 किलोमीटर, क्योंकि धीरे धीरे चलते हैं। फिर ये तब भी नहीं छोड़ पाए, टाइम होता रहा होता रहा, फिर 1 बजे 11 बज गए, 12 बजे के बाद तो ये छोड़ते नहीं, क्योंकि वापस बारिश भी आ सकती है, व्यवस्था नहीं है, बालटाल के रास्ते भी व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा प्रशासन की गलती है, वो जिन्होंने किया उनसे बात करिए। किसको तो कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है आपको? प्रशासन को कहा जा रहा है, किसको जा रहा है? आपकी पर्ची भरी आपको जरूर भेजना चाहिए था, वो तो आपका जब आपका पंजीकरण आपको नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ प्रशासन को कहा जा रहा है। जम्मू कश्मीर का प्रशासन कहा जा रहा है, प्रशासन की गलती है इस बात के साथ। हम भी यहाँ के प्रशासन इस बात को मानते हैं कि इन्होंने गलत किया। आपको 10,000 आपको बसा क्या खबर की 10,000 लिखा हुआ है बाहर जाके देखो, हमारे जैसे कैसे हो, हमारे मैंने उनकी गलती नहीं निकाली कि 27-28 वाले क्यों नहीं भेजे उन्होंने, कहा नहीं भेजते सीरियली भेजने, इन्होंने अलॉसमेंट करनी चाहिए थी कि 27-28 वाले लाइन में लग जाए। और भाई हमारा भी 27 का है, पहले आपको ठहरा हुआ है। यहाँ पर किसी की भी जवाब दे ही नहीं है, और जिनकी है वो बाहर नहीं आएंगे। तो ले देकर गलत हुआ हमारे साथ और बाकियों के साथ भी। लेकिन हम वेट करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि हम एक और दिन अपना यहाँ पर स्पेंड करेंगे, और कल का वेट करेंगे क्योंकि बहुत सारे काम हैं लाइफ में जो और भी करने हैं।
हम चाहते थे कि हम 3 बजे उठ के लाइन में लग जाए, लेकिन उन्होंने बोला अपने टेंट से बाहर ना निकले जब तक अनाउंसमेंट ना हो। अनाउंसमेंट होने के बाद आप देख रहे हैं कि अब हम घर जा रहे हैं। बहुत बेकार, वैसे व्यवस्था बहुत बेकार थी। तो इसी के साथ अमरनाथ का जो हमारा टूर था, जो हम चाहते थे कि दो चीजें चाहते थे हम, लाइफ ऑफ कश्मीर और लाइफ इन अमरनाथ, दोनों बनाना। तो लाइफ इन अमरनाथ तो पूरा बन नहीं पाएगा, क्योंकि हम पूरी जर्नी को दिखाना चाह रहे थे, लेकिन वो हमें यहीं पर ही खत्म करनी पड़ी है। एक्सेस कंट्रोल गेट हमारे लिए पहली बार था, बहुत लोगों के लिए पहली बार होगा, उनको बहुत दुख हो रहा है इतनी स्ट्रगल के बाद। हेलो गाइज, हेलो, हमें आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। ये वीडियो पसंद आ रहा है, लेकिन शायद ये हमारे लिए इतना इजी नहीं था वहां पर, क्योंकि 27 की नाइट को हम दिल्ली से निकले थे और ये 2 तारीख की वीडियो देख रहे हैं आप। और इस दिन आपने जो सब देखा, हमने कितनी स्ट्रगल की, कितना ट्राई किया, लोग कितने निराश थे, हम भी बहुत निराश थे, लेकिन इसके बाद भी जब हमारी हिम्मत टूट गई तब हमने घर जाने का फैसला किया। हम नीचे आए, नीचे आकर हमसे बोला गया कि आज नहीं जा सकते, अब कल जाओगे। हमने एक दिन वेट किया, हमने सुबह अपना बैग पैक करके 8 बजे बस में बैठ गए, टिकट विकेट लेकर कि अब हमें नहीं यहाँ पर रहना। लेकिन तभी एक हमें एडवाइस दी कि आप घोड़े से जाएं तो आप एक दिन में आना जाना कर लेंगे, तो आपका एक दिन का डिले होगा। जब उन्होंने कहा, पता नहीं अचानक सबके मन में क्या आया और हमने बैग उठाया, सीट टिकट विकेट का पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। फिर वहां पर हमने सबसे पहले घोड़े ढूंढने स्टार्ट किए। जब हमें घोड़े मिले तो हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करने की, हम एक्साइटेड थे कि शायद जो हम चाह रहे हैं, जिस तरीके से हम यात्रा करना चाह रहे हैं, शायद वो पूरी हो जाए, हम टाइम से घर पहुंच जाए। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, हमने यात्रा तो की लेकिन वो घोड़े पर नहीं हुई। सारी चाणक्य नीति लगातार फेल होती चली गई हमारी, हमारी फेल होती चली गई। लेकिन उसके बाद यात्रा कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप, नेक्स्ट वीडियो की अभी झलकियां देखेंगे तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि 13,500 फीट, जो कि लद्दाख से भी करीबन 1,500-2,000 फीट ज्यादा है, वहां पर जाकर उस एनर्जी को हमने बरकरार रखा। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप हमें अपना प्यार दें, सब्सक्रिप्शन दें, लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें। आप कुछ भी ऐसा लगता है आपको, जो कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी उम्मीदों से बेहतर वीडियो बनाएंगे, ये इन्फो विद पाल आपसे वादा करता है। तो उस झलकियों को देखिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर, सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर, रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया, बुरा है जमाना तू चल टकर न कर अगर मगर।